हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, इंतजार अब खत्म हुआ। ठीक है, फाइनली जो वेबसाइट है इतनी देर अवेलेबल सून दिखा रहा था, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आज अपन देख लेते हैं कि कैसे काउंसलिंग, कैसे चॉइस फिलिंग, क्या 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 प्रोसेस है, कैसे इसकी काउंसलिंग फीस पे करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस की भी बात करेंगे आज अपन। ठीक है, तो जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अपन पहले काउंसलिंग वगैरह देख लेते हैं कैसे क्या करना है, बाद में देखेंगे क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ पर टिक करना है, ओके। जैसे आपने टिक मार्क किया, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे अपना जो सिंपल डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है, तो मैं अपनी सिंपल डिटेल्स भर देता हूँ। ओके, तो मैं अपना वीडियो पॉज कर रहा हूँ अभी। ओके बच्चों, तो जैसे मैंने अपना फॉर्म वगैरह नाम वगैरह यहाँ पे डाला, जैसे मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला, तो अपने आप ही ओटीपी का ऑप्शन जनरेट हो गया है। सेंड ओटीपी, तो मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। और जस्ट मोबाइल के अंदर देख लेते हैं, ओटीपी भी आने वाला ही है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राज रीप, इसे कुछ ओटीपी आया है, राज रीप। ठीक है, और ओटीपी फॉर रीप एडमिशन इज इतना ही आ रहा है, देन बाद में उसके नीचे ओटीपी लिखा गया है। ओके, तो जस्ट अपन ओटीपी फिल कर देते हैं, 3, 5। ओके, तो वैलिडेट ओटीपी वजह से मैंने क्लिक किया, तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, गो हेड आ गया। फिर जैसे मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ, तो ईमेल पे भी एक ओटीपी जाता है, तो अपन देख लेते हैं ईमेल पे कैसे ओटीपी आया, क्या नाम से आया है। तो जस्ट मैंने जैसे अपने ईमेल पे गया, ओके बच्चों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये ईमेल है वो सिंपली नहीं आ रहा, ये स्पैम फोल्डर के अंदर आ रहा है। तो आपको अपने स्पैम फोल्डर के अंदर चेक करना है, ऐसे सिंपल इनबॉक्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, जो डोमेन नेम है वो mail.reep2021.com से आया है। अकाउंट वेरिफिकेशन एक्टिवेशन कोड इज रिगार्ड्स reep2021, इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं 39, 78। ओके, तो जस्ट मैंने फिल कर दे दिया। ठीक है, और ये दिखा रहा है सक्सेसफुल। ओके, तो मैंने फिर से इसके ऊपर ओके कर दिया, फिर ये हो चुका है। मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट ये रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट पे आपको इसे प्रिंट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपन इसका जो सेव कर लेते हैं, किसी को भी रिगार्डिंग इसके कोई इश्यू हो तो मेरे को सेंड कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आपको फॉर्म फिल करना भी नहीं आता है तो जस्ट आपका फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी वीडियो वगैरह बनाना होता है। तो ओके, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रखे हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्लस पिन है। ठीक है, ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही बैंक है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग है, QR कोड भी है। ओके, तो जस्ट ये ऑप्शन आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मुझे इसमें अप्लाई नहीं करना है, तो मैं जस्ट इसे एक्सिट हो जाता हूँ। ओके बच्चों, तो अब इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है? इम्पोर्टेंट नोटिस यही है कि जस्ट आप सभी को पता है काउंसलिंग कहाँ तक चलने वाली है, इसकी ऑलमोस्ट 11.5 महीने 10.5 महीने तक चलने वाली है। अगर आपकी JEE रैंक ठीक नहीं है, JEE का एग्जाम नहीं दिया है, तो जस्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है एडवाइस कि जस्ट आप आउटसाइड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करें, जो रीप से अच्छे होते हैं, MBM कॉलेज से अच्छे हैं, RTU से अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, फीस कम है। ठीक है, यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। और जो भी बच्चे हैं वो JEE का रिजल्ट आने से पहले पहले अपनी सीट सिक्योर कर ले, वरना JEE के रिजल्ट के बाद अगर आप 2 लाख रुपये डोनेशन भी देते हैं तो भी कॉलेज मिल पाना बहुत मुश्किल है बच्चों। तो आई एडवाइस फॉर यू, JEE के रिजल्ट से पहले ही डिसीजन ले और किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे भी जाए, मैनेजमेंट के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, डोनेशन के थ्रू अपनी सीट सिक्योर कर ले। रीप के अंदर आपकी अच्छी रैंक है तो आप टारगेट कर सकते हैं अच्छे कॉलेज को, MBM जोधपुर, RTU कोटा, बीकानेर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, CTIIT उदयपुर, अजमेर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, SKIT, JERCE, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। ओके, और जो बच गए वो सारे के सारे एकदम क्लास बकवास। ठीक है, तो आउटसाइड स्टेट गवर्नमेंट अच्छे अच्छे हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं,
अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। और आजकल ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है कि इफ यू आर ए गर्ल देन आप नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर अच्छे कोर्सेज की बात करें तो एरोस्पेस भी आप चूज कर सकते हैं इन PSSC पटियाला। दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी तो चल रही है। JEE के रिजल्ट के बाद इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो अब जो है जल्द से जल्द डिसीजन लें, और अगर आपकी रीप अच्छी रैंक है तभी रीप के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत ही आगे तक जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तभी अप्लाई करें, तभी जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करें, वरना आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, उसके अंदर इंपॉर्टेंट नोटिस आता रहता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस एडमिशन के। ओके, थैंक यू।